बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जिनकी ईवीएम को लेकर आशंका खत्म हो नहीं रही है। हम आपको बता दें, लगातार दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। वे एक बार फिर से राजगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रिपोर्ट देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने इस बार क्यों ईवीएम पर बवाल कर दिया। जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, देश में इस बारे में शंका है, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह की आशंका खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिग्गी राजा एक बार फिर से ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वे फिर ईवीएम से हुई वोटिंग को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए थे, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक रहे, लिहाजा इलेक्शन के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हार की समीक्षा की बात कही है। पिटीशन मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर ना तो चुनाव आयोग दे रहा है ना सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्गी राजा ने ईवीएम मशीन को लेकर अविश्वास जताया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने ईवीएम से मतगणना को लेकर सवाल खड़े किए थे। एक बार तो उन्होंने अपने आवास पर मीडिया जन के सामने प्रशिक्षण करके दिखाया था कि कैसे ईवीएम से छेड़खानी की जा सकती है। उसके बाद वे अपनी आशंका को लेकर कोर्ट भी पहुंचे थे। ये सारी बातें लोकसभा चुनाव के समय तक तो ठीक भी लग रही थी, लेकिन दिग्विजय राजगढ़ में हुई वोटिंग के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आए थे, लिहाजा चुनावी समर में ये स्टंट लाजमी भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब तो न लोकसभा चुनाव है न ही विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी दिग्गी राजा के इस एक्शन पर तंज कसती नजर आ रही है। श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से प्रदेश को बदहाल किया था, मध्य प्रदेश की जनता 20 सालों से लगातार नकार रही है, तीन तीन चुनाव हार चुके हैं। अब जब वोट स्वयं में है, जनता नकारती है, तो प्रशासन ईवीएम निर्वाचन आयोग पर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। तो श्रीमान बंटाधार ये भी बता दें कि जो कांग्रेस हाईकमान को 99 सीटें मिली हैं, राहुल गांधी जीते हैं, तो वो भी क्या ईवीएम की गड़बड़ियों के साथ जीते हैं? बहरहाल चुनावी समर में ईवीएम पर राजनीति बेहद ही लाजमी थी, लेकिन चुनावी समर के बाद ये इलेक्शन पब्लिसिटी स्टंट है या फिर भारत देश के लोकतंत्र की चिंता, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।